ये कौन लेके आया था ये? हेलो फ्रेंड्स, बड़ा खुश हो रहा है कैमरा पकड़ के ये। इट इज नॉट अ टॉय फॉर यू बेबी, ओके। और छोटे बच्चों को एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए जरूर, चाहे लकड़ी हो, कुछ तो कुछ चाहिए उनको। और हाथ में छोटी सी लकड़ी पकड़ के रहती है। फ्रेंड्स बारिश देखो यार, मतलब 5 मिनट पहले धूप लगी हुई थी यहाँ पे, और 5 मिनट में ही इतना जोर की जो बारिश गिर गई है। देखो और इतने मोटे मोटे हेल्स गिरे हैं गाइस, जस्ट 5 मिनट्स पहले धूप लगी हुई थी, लिटरली धूप लगी हुई थी यहाँ पे। वाओ मैन, ओहो हो, हवा, तूफान, बारिश और हेलिंग, वहाँ धुंध दिख रही है ना जाती हुई, ये धुंध नहीं है एक्चुअल में, ये बारिश को हवा उड़ा के लेके जा रही है। देखो जस्ट हवा, लुक गाइस, सही माइक पे मेरी आवाज़ भी इतने अच्छे से नहीं आ रही होगी, इतनी बारिश और हवा तूफान चल पड़ा है। मैंने कल ही अपने राइडिंग गियर्स को वॉश किया है, सोचा था कि एक दो राइड्स मारूंगा लंबे लंबे वाली विद इन हिमाचल ही, बट अगर ऐसा मौसम हो तो आप सोचो कि कैसा पॉसिबल है यार। जब मैं छोटा था तो ऐसी बारिश को कहते थे छलोतर, मतलब छलियों को बीजने के लिए, मक्की को बीजने के लिए जो पानी सही होता ना, तो ऐसी बारिश का वेट करते थे उस टाइम पे। अगर ऐसी बारिश उस टाइम पे होती थी तो सारे खुश हो जाते थे कि अब छलोतर हो गई है। फ्रेंड्स बारिश जो फिर से आ गई है, और ये छोटे भाई साहब भी इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। हेलो कर लो बाबा, हेलो कर लो सभी को, हेलो। ओ भाई कर दो, अच्छा भाई कैसे करते हो आप, किसी करनी है सभी को, ये छोटा किस्सू कर दो, छोटा सा किस्सू दे दो। हाँ जी हाँ जी, बारिश नहीं देखनी, देखो बाहर कितनी बारिश गिर रही है। अभी कोई छातों से इतना प्यार है ना कि अम्ब्रेला मिल जाए तो बस कहता कि उठाओ और चलो, बारिश हो, धूप हो, बादल हो, ठंडी हो, ले लो आप खुद ही ले लो ना बेटा, आप खुद ही ले लो अम्ब्रेला। ये देखो ये अब मुझे इशारा कर रहा कि मैं अम्ब्रेला उठाऊं और फिर लेके इसको चलो बाहर, और जैसे मैं अम्ब्रेला उठाऊंगा क्या करता है ये, वेट वेट वेट, अरे वो बड़े वाला उठा लें तो पापा उठाते हैं, वेट वेट वेट, अब हाथ तो छोड़ोगे मेरा, तो पापा उठा लेते हैं ना ये, अब देखो 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 ये देखो कि अब मुझे जो है वो उठा लो और चलो यहाँ पे। देखा इसको, छातों से इसको लगी ही प्यार है यार, पता नहीं क्या बात है ये। चलो सभी को अपनी टी शर्ट दिखा दो, ये वाली, ये कौन लेके आया था ये? वाह बारिश हो रही है ना बच्चा, बाहर तो कैसे जाएंगे बेटा, आप देखो ऊपर देख लो। क्या बोलोगे आप, ये लाइट जल रही है यहाँ पे, कैमरा पे रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, तो उस पर उंगली लगा के देख रहा है कि हो क्या रहा है ये। अच्छा आपको कैमरा चाहिए, ले लो भाई ले लो, फेंकना नहीं है बच्चा ये। हेलो 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 कर लो, करो बात तो करो बेटा सभी से, हेलो। हाँ जी हेलो बुआ, हेलो, इसको टच नहीं करेंगे बेटा, नो बोलो, हेलो बुआ, हेलो मामा, हेलो मास्टर,
हेलो नन्ना, कैसे बोलोगे आप? आप बोलो ना, सभी को बता दो। फ्रेंड्स बड़ा खुश हो रहा है कैमरा पकड़ के ही। हाँ जी हाँ जी, ओहो देखो इसकी मस्तियाँ। ऐसा नहीं करेंगे बेटा, पापा ने बड़ी बड़ी गलती कर ली आज आपको कैमरा दे के। लो लो लो, ये देखो ये गुस्से है मेरे, जो वो चोटियाँ काट रहा मेरे। बच्चा आपके काम की चीज़ थोड़ी है ये, इट इज़ नॉट अ टॉय फॉर यू बेबी। ओके, ठीक सामने जो है वो सूरज देवता चमकते हुए और नीचे बारिश गिर रही है साथ में। अभी डांस कैसे करता है दिखा दो सभी को। ये सभी आपका डांस देख लेंगे। अच्छा ऐसे करना है, ये देखो करो करो डांस कर लो। ये और छोटे बच्चों को एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर, चाहे लकड़ी हो कुछ तो कुछ चाहिए उनको। और हाथ में छोटी सी लकड़ी पकड़ के रहती है। कर लो कोशिश, गुड बॉय गुड बॉय। ये शाबाश, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। ये लकड़ी फेंको ना बच्चा, लकड़ी फेंक दो, नहीं फेंकना। ओके ओके दैट्स फाइन। आजकल हमारे घर में खूब सारे रोजेस खिले हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज। पिंक रोजेस जो है अभी तो ख़त्म भी होने लग गए हैं, रेड रोज है। और बारिश के बाद इनको देखना, वाह। अब देखो कि बारिश की बूंदें भी अभी भी इन पे हैं यहाँ पे। ये येलो है, यहाँ पे एक बड़ा सा तुलसी का पौधा है जिसमें फ्लावरिंग हो रखी है। ये पूरा का पूरा रोजेस का क्लस्टर है। ये छोटा सा श्रब है इसकी। घर के चारों ओर रोजेस ही रोजेस हैं। अब देखो कि कितने सारे। और यहाँ पे एक बैंगन का झाड़ है प्लांट, और ये है अपनी गाय का घास काटने के लिए कटर। यहाँ पे थोड़ा सा अरबी लगी हुई है। ये एक जो है वो ये वॉलनट का पेड़ है। यहाँ पर है ऑरेंज, ये गलगल, मैंगो, काफ़ी कुछ लगा हुआ है यार। और स्ट्रॉबेरी भी है, आपको स्ट्रॉबेरीज दिखाता हूँ गाइस। ये जो है वो फ्रेंच बीन्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भिंडी। हाँ जी बेटा, अगेन यहाँ पे जो है वो भिंडी है, अभी तैयार हो रही है। और यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉबेरी है, ये देखो आप। तो इन पांच छह प्लांट्स से जो अभी तकरीबन कोई 15 से 20 नए प्लांट्स बन चुके हैं। तो अभी के लिए जो वो रोज़ का एक या दो स्ट्रॉबेरीज जो है वो निकल जाते हैं। आप देखो कि यहाँ पे यार बारिश गिरने की वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी होगी ये, बट कल या दो तीन दिन में पक जाएगी ये। अगेन यहाँ पे पोमीग्रेनेट है, टमाटोस, यहाँ पर थोड़े से और एग प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो वो ग्लैड लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो एलोवेरा। तो जो बेसिक चीज़ें रहती हैं यूज़ करने वाली, वो हर चीज़ लगा के रखी हुई है। सो यहाँ पे जो है वो गलगल का प्लांट है, जिसे हम लोग सर्दियों में बड़े चाव से खाते हैं, खट्टा बना के हिमाचली लोग। और एक चीज़ हमने नई इंट्रोड्यूस की है अपने किचन गार्डन में, आई जस्ट शो यू। ये है कीवी प्लांट गाइस, काफ़ी लोग जानते हैं ये चीज़ कि हिमाचल के लोअर एरियाज में कीवी हो जाती है। जो अपनी पालमपुर वाला एरिया जो है उसमें कीवी अच्छे से हो जाता है। तो हमने भी कीवी के दो प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि कीवी सिंगल कभी नहीं होता, क्योंकि अगर हो भी जाए तो फिर उसमें फ्रूट नहीं सेट होता है। तो एक प्लांट यहाँ पे है, और दूसरा प्लांट जो है वो ये है। ये काफ़ी छोटा है तो इतने अच्छे से ग्रो भी नहीं कर रहा है ये, वो ठीक है कर जाएगा। और यहाँ पे फिर से थोड़े से बैंगन हैं, ये
चार पांच हमारे पास प्लांट्स जो है वो पपाया के हैं, और ये है हमारा इकलौता रेड गुआवा। और रेड गुआवास खाने में इतने टेस्टी रहते हैं ना कि उसका अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आता है उसका। तो फ्रेंड्स, छोटा सा किचन गार्डन है अपना और उसमें काफ़ी कुछ लगा के रखा हुआ है। सो घर में ऐसा ही होता है कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो वेजिटेबल्स लगती हैं सभी के मेरे ख्याल से, और तो साथ में दो तीन चार फ्रूट्स के ट्रीज रहते हैं। बारिश के बाद जो है वो गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। वहाँ पे किसी ने आग लगाई हुई है और ये देखो आप ये क्या ब्यूटीफुल दिखता है यार। और बादल जो है अभी भी इस साइड पे गरज रहे हैं अभी भी यार। बारिश जो है अभी भी हल्की हल्की हो रही है और मेरे माइक के ऊपर पानी की बूंद गिर चुकी है। सो होपफुली इसको डैमेज ना करे वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आउटर बाउंड्री जो है गांव की उसमें टी प्लांटेशंस भी हैं। आप देखो कि यहाँ पे मतलब गांव वालों ने अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ लगा के रखी हुई है, जैसे जैसे जो जो ज़रूरत रहती है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के आसपास का छोटा सा डिटूर। क्योंकि एक तो भाई ने कमेंट किया था लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में कि अपने घर के आसपास का सराउंडिंग्स दिखाओ। गांव जो है पूरा गांव नहीं है ये, बट फिर भी ऐसा दिखता है। बाकी गांव की एक चीज़ और जो है बड़ी मेन, वो मैं आपको बड़ी जल्दी एक ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। Till then, take care, have fun, enjoy your life, and always wear a good quality helmet while you guys ride. And keep this beautiful country clean, guys. और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो। थैंक यू, बाय।